नमस्ते मित्रों, आप देख रहे कार 24/7। आज हम देखने वाले स्विफ्ट डिजायर कार है मारुति की। इसमें एबीएस का प्रॉब्लम आ रहा है, आप देख सकते हैं एबीएस का लाइट गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जा रहा नहीं है और इधर इंजन चेक का भी लाइट आ रहा है। तो करने के बाद एबीएस का लाइट कुछ जा रहा नहीं है, तो हम आज देखेंगे, आप मैन्युअली चेक करना पड़ेंगे इसका एबीएस का क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कनेक्शन जो अच्छे फिटिंग होंगे तो एबीएस का लाइट जाता नहीं है। ये कुछ तो भी सेंसर में या लूज कांटेक्ट में है, तो भी एबीएस का प्रॉब्लम बता रहा है। तो आदमी करेंगे अपन चेक। पहले शुरू में हम पूरे कनेक्शन चेक करके पूरा वोल्टेज चेक करेंगे वोल्टेज मीटर से, जो आप देख रहे हैं हम कर रहे हैं चेक, और अच्छी तरह से पूरी वायरिंग चेक करने की, क्योंकि सीट के पीछे भी चूहे कभी कभी कतार देते हैं एबीएस के वायर, वो चेक कर रहे हैं पूरी। अभी वोल्टेज मीटर से वो एक 1000 पे लेके हम सेंसर चेक कर रहे हैं, तो सेंसर की क्या पोजीशन आती है और क्या रीडिंग आती है तो एक बार देख लेंगे। मैनुअली हमने पूरी कनेक्शन चेक करे तो कोई कनेक्शन फॉल्ट नहीं है, तो हमने स्कैनिंग करे तो रियर राइट का सेंसर बता रहा है जो हम चेंज करने वाले हैं। सो गाइस, फाइनली सेंसर डाल के चेक करने का डिसीजन फाइनल हो गया है, क्योंकि हमने दो बार स्कैनिंग की तो वही एरर आ रहा है राइट साइड पीछे का। आप देख सकते हैं 745 रुपीज़ का 745 रुपीज़ का सेंसर है जो हमने लाया वाला है, ये देख सकते हैं। तो हम ये लगा के चेक करने वाले। इसकी एक खासियत है, ये राइट का लेफ्ट को नहीं बैठता, मिड लेफ्ट का राइट को नहीं बैठता, कपलर चेंज है। तो चलो लगाएंगे फिर। तो गाइस, हमने ये निकाल लिया है, ये पुराना वाला, और इसका कपलर हम देखने वाले सेम होना चाहिए कपलर हमको। अच्छा, तो पहले इसमें मुंह की तरफ थोड़ा सा ग्रीस रहता है, इसके बाद यह क्लिप रहेगी। यहाँ पे कपल लगा के पुराना वाला निकालना नहीं है। सो गाइस, हमने कपलर निकाल के कपलर फिट कर दिया, तो करेंगे अभी स्कैन। तो ये हमारे भाई है स्कैनर भाई, मुंह दिखाओ एक बार। चलो अभी हमारे भाई स्कैन करने वाले हैं। तो गाइस, अभी देखेंगे हम लाइव के रीडिंग आती कि नहीं देखेंगे, तो चारों सेंसर और वायरिंग क्लियर है के देखेंगे। ये देखिए राइट रीडिंग आ रही है चारों व्हील की। सो गाइस, हमने स्कैन करके एरर निकाल दिया है, तो एरर निकल गया है। आप देखते हैं, मैं गाड़ी चालू कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने गाड़ी चालू कर दी, और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी गाड़ी की मैन्युअली चेक करके सेंसर चेक करा पहले, फिर वायरिंग चेक करा, और बाद में फाइनली फिर स्कैनिंग लिया, और स्कैनिंग लेने के बाद मेरे को पता चला कि रियर राइट का
सेंसर डेड है, तो आपने वो सेंसर डाल लिया है, तो अभी हम निकल गए हैं स्कैन करके ट्रायल को। मैं इधर बाहर आया हूँ ट्रायल के लिए और गाड़ी चालू है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही एक्सपीरियंस चैनल के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर। चलो भाइयों, चलो मार रहा मैं इसके राइड। अभी ये देख सकते हैं ABS का लाइट चले गया, अब मैं पकड़ रहा उसको। ये देखिए बाहर भी देख सकते हैं आप। तो चलो दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।